कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान विद्यासागर कॉलेज परिसर में स्थित महान दार्शनिक, समाज सुधारक और लेखक ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर आरोप लगाया है। हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ईश्वरचंद विद्यासागर की तस्वीर को प्रोफाइल फोटो बना लिया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता में हुआ था। शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे। उन्हें गरीबों और दलितों का संरक्षक माना जाता था। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। विद्याधर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना की और साल 1848 में वैताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया था। नैतिक मूल्यों के संरक्षक और शिक्षाविद विद्यासागर का मानना था कि अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञान का समन्वय करके भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं के श्रेष्ठ को हासिल किया जा सकता है। विद्यासागर का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के गरीब लेकिन धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय और माता का नाम भगवती देवी था। उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। गांव के स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद वो अपने पिता के साथ कोलकाता आ गए थे। वो चीजों को जल्दी सीख लिया करते थे। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्हें कई संस्थानों से छात्रवृत्तियां मिली थी। इनके बचपन का नाम ईश्वर चंद बंदोपाध्याय था, लेकिन उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। इतना ही नहीं, इन्हीं की कोशिशों की वजह से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे की शादी एक विधवा से की थी। उस दौर में उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। इन्हें समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कल कोलकाता में अमित शाह का रोड शो हुआ। इस दौरान कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज के अंदर से टीएमसी के कथित समर्थकों ने शाह के काफिले पर पथराव किया, जिससे दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। गुस्साए बीजेपी समर्थकों ने कॉलेज के गेट के बाहर टीएमसी प्रतिद्वंदियों के साथ मारपीट की। उन्होंने बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के दौरान ही ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। अमर उजाला.com 23 मई 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम। हम दिखाएंगे नतीजों के पीछे की पूरी तस्वीर, सबसे पहले, सबसे सटीक, अमर उजाला.com पर।